बसिंदा आप गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हल्की फुल्की आज प्रॉफिट बुकिंग है, वही कोई खास नहीं, लेकिन एक तो पहले बाजार का आउटलुक भी बताएं सर और साथ ही अपडेट्स दें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए दो तीन चीजें हो रही हैं। जी एक धीरे धीरे जो आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो बहुत अच्छी हो रही है। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स की मार्केट कह रही है कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स वी विल बी बैक टू नॉर्मल, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। ए बी कमोडिटीज में मोर ऑर लेस स्टेबिलिटी आने की आशंका है और क्रूड का बढ़ना ग्रोथ की निशानी है कि चाइना रीओपनिंग विल अगेन सी डिमांड, यू नो, इंक्रीज इन डिमांड। और थर्डली यूएस में बॉन्ड यील्ड और डॉलर वीकनेस, मेरे को लगता है इमर्जिंग मार्केट एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। अब नॉट विथ स्टैंडिंग के हम 15,700 से 16,700 आ गए, आप ये भी तो देखो ना, 18,600 से 16,000 आए थे। तो अगर मार्केट ने यहां से थोड़ा सा भी मन बना लिया तो 500-700 पॉइंट आपको दिखेंगे नहीं, और वो 17,000 के ऊपर ही आपको जो कंसेंसस बेरिशनेस थी वो बुलिशनेस में बदलेगी। ये तो शेयर बाजार का असूल है सर। मुझे कोई दो राय नहीं, मिड कैप इंडेक्स हैज बॉटम आउट फॉर द ईयर और वहां पे पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आपके लिए आज भी दो मिड कैप पिक्स हैं। इंडेक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा लेकिन मिड कैप आईटी बहुत रंग दिखा रहा है। कल आपको परसिस्टेंट दिया था, देखिए आज न्यू हाई पे गया 3808, और हिंद कॉपर कल आपको 100 रुपए में दिलाया था, 104 बिक गया है। 106 का टारगेट था वो 110 जाएगा, 102 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप रखिए। अब आपके लिए दो पिक्स है अनिल जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल परफेक्ट सर, बताएं आज की फ्रेश पिक्स। अनिल जी सबसे पहले लीजिए SRF, कल भी मैंने कहा था, देखिए सोडा ऐश और स्पेशलिटी केमिकल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज टाटा केमिकल ने भाव बढ़ा दिए, SRF के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे और चाइना का खुलना माने उनके लिए और पॉजिटिव होएगा। 2450 में लीजिए, 2375 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। फिर 2750 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में ये और अतुल आउट परफॉर्मर है और PI इंडस्ट्री। और दूसरा पिक होएगा जो सबको लेना चाहिए, भारत फोर्ज। रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग और ऑटो में जिस तरह की डिमांड यूएस में भी आ रही है, नॉर्थ अमेरिका में ट्रक्स की, और इंडिया में भारत फोर्ज बिकम्स द बेस्ट प्ले ऑन डिफेंस स्ट्रोक फोर्जिंग इंडस्ट्री इन ऑटो। 701-702 में लीजिए और 685 का स्टॉप लॉस, 750 का पहला टारगेट, और अगर आपके पास 3 महीने की मंशा है तो ये 850-900 रुपए जाएगा। ओके, तो दो स्टॉक्स खरीदारी करने की राय है आपके लिए। SRF जहां पर 2450 के आसपास खरीदारी करनी, 2375 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। भारत फोर्ज 709 के आसपास चल रहा है, 701-702 के आसपास आए, 1% नीचे यहां से मिले खरीदिए। 750-850 और 950, तीन बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है बेहतरीन स्टॉक्स बसिंद साहब की तरफ से, और मिड कैप शेयर पर बुलिश है और बसिंद साहब के हिसाब से मिड कैप इंडेक्स ने इस साल का बॉटम बना दिया, यहां से मजबूती और देखने को मिल सकती है।